हाय फ्रेंड, आशा करते हैं आप सब ठीक है। आपके सारे बाढ़ से बहुत अच्छे। तो आज आपको फिंच के बारे में कुछ बताऊंगा। अभी तो ठंड आ रही है, उस ठंड से पहले आपको कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो फिंच के लिए, स्पेशली फिंच के लिए, वो आज आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने जो पानी का बर्तन है ये मैंने बाहर निकाल के रखा है, सारे रात में निकाल दिया। अभी यहाँ पर देख सकते हैं सारा केस में पानी नहीं है। तो आपको भी ठंड के टाइम स्पेशली, अब गर्मी में मत निकालो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ठंड जब पड़ेगा, ठंड के टाइम में आपको ज़रूर पानी का बर्तन हर रोज़ निकाल देना पड़ेगा, ठीक है। एक भी दिन आपको मिस ना हो। और जब आप पानी डालेंगे इसमें कटोरे में थोड़ा कम डालना, क्योंकि वो खाने के लिए जितना जरूरी होगा उतना डालना, नहीं तो वो नहा लेगा और उसको ठंड लग जाएगा। और दूसरा चीज़ ये जो नेक्स्ट बॉक्स है, देख सकते हैं नेक्स्ट बॉक्स, नेक्स्ट बास्केट लगाया हो या नेक्स्ट बॉक्स कुछ भी लगाया हो फिंच के लिए, वो मत उतारना, क्योंकि रात में जब ठंड पड़ेगी तो सारे फिंच वो अपने नेक्स्ट बास्केट के अंदर रहती है, बच्ची जैसे बाहर रहती है, कॉकटेल बाहर रहती है, ऐसा नहीं, फिंच बर्ड अपने नेक्स्ट बॉक्स के अंदर रहती है, ठीक है। इसलिए आप फिंच बर्ड के नेक्स्ट बॉक्स ठंड के टाइम कभी भी बाहर मत निकालें, ठीक है। कुछ दिन ठंड जाने के बाद आप निकाल सकते हो, वो बात नहीं, आप ज़रूर अभी तो मौसम चेंज हो रहा है, अभी मत निकालें, एकदम ही नेक्स्ट बॉक्स बाहर मत निकालें। और दाने में आपको मैं जो सीड्स देख रहा है, ठीक है, इसके साथ आपको मिक्स सीड लेना पड़ेगा, जैसे कि ब्लैक सीड हो गया, कैनरी सीड हो गया, पैडी हो गया, ये सब मिक्स करके अपने बॉक्स को थोड़ा कुछ दिन के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सीजन चेंज हो रहा है। ये मेन टॉपिक है कि सीजन चेंज के वक्त अगर आपका बॉक्स को ठंड लग जाए तो रिकवर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। दूसरे टाइम में बरसात के टाइम में बारिश की वजह से ठंड लग जाए वो तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, लेकिन अभी तो मौसम चेंज होने के वक्त आपको बॉक्स को ठंड लग जाएगी तो रिकवरी करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। इसलिए आपको जितना हो सके आपका नेक्स्ट बॉक्स अंदर रखना चाहिए और मिक्स दाना देना चाहिए और पानी को हर रोज़ बाहर निकाल देना चाहिए। और हो सके तो 2-3 दिन एक एंटीबायोटिक का कोर्स करा दो, वो मॉक्स 500 हो गया, जैसे कि जिसका कंपोजिशन है एमोक्सिसिलिन, आप स्टेक्लिन का भी करा सकते हो, एंड्रोफ्लॉक्सेसिन, वो मतलब मेरी क्वीन जो आता है, एंड्रोवेट आता है, उस किसी भी एक से आप 3-4 दिन आपके वाट्स को एक एंटीबायोटिक का कोर्स करा सकते हो, ठीक है, वो भी अपने आपके वाट्स के लिए अच्छा रहेगा। तो और यहाँ पर देख सकते हैं मेरी साइड से ये कपड़ा दिया हुआ है, अब ये इस तरफ से खुला हुआ है, इस तरफ से धूप भी आती है, लेकिन फिर भी मैं ये ओपन साइड है फिंच का केज का, इसलिए मैंने इसको इस तरह से कपड़ा दे के रखा है, देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक हवा का झटका लग हवा आ गई अंदर, ठंड हवा तो फिंच को लग गई तो बहुत ठंड लग जाएगी और उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोगों के पास भी अगर फिंच का कोई आउटडोर एवियरी है या कि आपका केज है आउटडोर में, तब जरूर इस तरह के कपड़े से ढक दे, ठीक है। ये जो बाहर आप देख रहे हैं, बाहर भी एक कपड़ा दिया हुआ है, ये अभी ऊपर उठाया हुआ है, शाम के टाइम ये नीचे रहता है और ऊपर एक प्लास्टिक का पेपर भी है, वो भी रहता है बाहर से, फिर भी मैं अंदर से दे के रखा हूँ, ये पूरा दिन रहेगा, ठीक है, ये मैं कभी नहीं हटा था। ये ठंड के मौसम, पूरा ठंड का सीजन यहाँ पर रहेगा, जब गर्मी आएगा तो इसको आप हटा देंगे, अभी तो रहेगा, ये आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि फिंच को एक ठंड हवा लग रहा है इतना ही काफ़ी होता है वो बास के लिए, बहुत छोटा परिंदा है इसलिए, ठीक है। और मैंने जो बताया वो सब आप ज़रूर कीजिए तो आपका बात हेल्दी रहेगा, और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं उसका आंसर दे दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक दे देना।